करण कौन से रूम में ठहरा है? एक मिनट सर। रूम नंबर 406। कमरे की चाबी? हाथ ऊपर, हाथ सर के पीछे, अब मुड़ो। यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? सर, सब मेरा नाम सागर है। सागर, मैं मुंबई से आया। क्या ढूंढ रहे हो इस कमरे में? कुछ नहीं सर, मैं अपने कमरे में जा रहा था तो मैंने देखा करण के रूम का दरवाजा खुला है, इसलिए मैं अंदर आया। मैंने कुछ नहीं किया सर। कौन करण? करण मेरा दोस्त है साहब, उसी ने मेरा इस होटल में बगल वाले कमरे में रहने का इंतजाम किया साहब। आप चाहे तो करण से पूछ सकते हैं साहब। अब करण से कुछ नहीं पूछ सकते। थोड़ी देर पहले उसकी लाश मिली है। पासवर्ड लाइसेंस तो सब सही है। मुंबई से भी पता कर लिया। पता चला है कि एक छोटा मोटा डिटेक्टिव है ये। अभी अभी दुकान खोली है इसने। वही पुराना हस्बैंड और वाइफ का मामला, किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है, डिवोर्स के केसेस हैंडल करता था ये। हाँ तो डिवोर्स वाले डिटेक्टिव साहब, अभी तक पता नहीं चला कि आप यहाँ किस लिए आए हो और करण ने आपको क्यों बुलाया था। अरे मैंने बताया ना आपको, करण चाहता था कि मैं यहाँ आकर उसकी एजेंसी में काम करूं और इसीलिए उसने मुझे यहाँ बुलवाया। उस कमरे में क्या ढूंढ रहे थे तुम? क्या मिला तुमको? कुछ भी नहीं मिला, और आपने तो मेरी तलाशी भी ली है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलता। बस हो गया है सत्यवादी का नाटक, हमें तुम पर भरोसा नहीं है, समझे? अरे देखिए देखिए, आप लोग मेरा इंटरोगेशन करने के बदले आप इस करण की खूनी को क्यों नहीं पकड़ते? मेरा इस खून से कोई वास्ता नहीं है, समझे आप? और मैं अब कोई भी जवाब नहीं दूंगा जब तक मेरा वकील यहाँ नहीं आता। हमें वकील की धमकी देता है? तुम्हें क्या लगता है वकील का नाम सुन के हम लोग डर जाएंगे? हमारी पथुन गीली हो जाएगी। हमें वकील की धमकी। Am I interrupting something? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे क्लाइंट को डिस्टर्ब ना करें, वरना मुझे आपके खिलाफ कुछ गहरे कदम उठाने पड़ जाएंगे। यकीन नहीं होता करण सर की मौत हो गई। किसने मारा होगा उन्हें? यही पता करने तो हम आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, पूना वो किसी खास वजह से गए थे?
पता नहीं, मगर बहुत खुश थे कि बहुत पैसा आने वाला है इस केस से। पुराना केस है या कोई नया काम है? कोई नया क्लाइंट था, पिछले हफ्ते एक फोन आया था और फोन पर बात करते ही वो बहुत खुश हो गए थे। किसका फोन था? पता नहीं सब। अब 5 मिनट के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए, मुझे इनसे जरूरी बात करनी है। ओके? चलो। दया है? हाँ दया। कुछ पता चला क्यों मारा करण को? करण को किसी का फोन आया था। फोन आया था? कहाँ से? ये तो पता नहीं, पर उसे कहीं से बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। अभिजीत, उससे कहो एक और रास्ता है। करण को फोन पर बात करते वक्त टेबल पर नोटपैड जो होती है उस पर कुछ लिखने की आदत थी। सुनो, करण, दया, करण का डेस्क चेक करो, देखो उसके टेबल पर कोई नोटपैड है क्या, शायद उस पर हमें कोई सुराग मिल जाए। एक मिनट सर। नहीं सर, नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं। एक मिनट सर, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, पेंसिल देना। सर इस पे सैम एक्स पुणे लिखा हुआ है। सैम एक्स पुणे? सैम एक्स? अभिजीत, उनको कहो वो सब लोग यहां आ जाए पुणे में। तुम लोग पुणे आ जाओ जल्दी। ओके सर। Let's go. सर ये करण था कौन? अभिजीत, करण मेरे दोस्त का बेटा था, अच्छा डिटेक्टिव था, अच्छा लड़का भी था। उसने पिछले हफ्ते मुझे फोन किया। एचपी साहब, सर मैं करण बोल रहा हूं। सर देखिए यहां पर बहुत गड़बड़ है, प्लीज जल्दी आइए। सर मैं ये बात आपको फोन पर नहीं बता सकता। सर यहां की लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व है। सर देखिए आप भेष बदल कराइएगा सर। वो मेरी मदद चाहता था। एक्सक्यूज मी प्लीज, 2 मिनट। सर ये किस लिए बुलाया, बताया नहीं था उसने? उसने मुझे केस के बारे में बताने के लिए ही पुणे बुलाया था, और मेरा कमरा भी उसी होटल में बुक किया जहां पर वो ठहरा था। और उसने मुझे यह भी कहा कि प्लीज किसी को बताना नहीं कि आप एसीपी प्रद्युमन हो। मगर सर आप अरेस्ट कैसे हो गए? कल शाम जब मैं होटल पहुंचा। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम सागर है। मिस्टर करण ने मेरे लिए यहां रूम बुक किया है। जी सर, आपकी बुकिंग है यहां पर रूम नंबर 405, मिस्टर करण के बगल वाला कमरा। थैंक यू वेरी मच। की सर? थैंक यू। बाय द वे, मिस्टर करण है यहाँ पर? मिस्टर करण? नो सर, वो तो करीब करीब 2 घंटे पहले ही कहीं बाहर निकल गए। एक खूबसूरत सी लड़की थी उनके साथ। खूबसूरत लड़की के साथ? हाँ, शायद कोई मॉडल होगी, लंबी सी, ब्यूटीफुल। अच्छा ठीक है, अगर वो आए तो उन्हें कह देना कि मैं आया हूँ। ओके, डेफिनेटली सर। थैंक यू। ये तो करण का कमरा है, दरवाजा खुला क्यों है? करण, करण, माय गॉड, करण,
कारपेट के नीचे क्या मिला आपको सर? अभिजीत, ये मैच बॉक्स मिला। तो बहुत मामूली सा मैच बॉक्स लगता है। आपको यकीन है ये छुपाया गया है? कहीं गलती से तो नहीं चला गया कारपेट के नीचे? नहीं अभिजीत, ये गलती से कारपेट के नीचे नहीं गया। करण जानता था कि कोई तो कमरे की तलाशी लेने के लिए जरूर आएगा, इसलिए उसने इस मैच बॉक्स के नीचे सेलो टेप लगाकर कारपेट के नीचे चिपका दिया। इस मैच बॉक्स की वजह से ही करण की जान गई है। इस मैच बॉक्स में ही कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है। यस मिस्टर सागर, हमने हमारे सीनियर से बात की है, आप जा सकते हैं। ये हुई ना शरीफों वाली बात, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। जाने से पहले एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप पुणे में किसी सैम एक्स को जानते हैं? सैम एक्स? सैम एक्स के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? शायद करण यहां पुणे में सैम एक्स के काम के लिए ही आया था। मिस्टर सागर, सैमेक्स किसी उड़ती चिड़िया का नाम नहीं है। हिंदुस्तान के कई अरबपतियों में से एक है वो, और करण जैसे छोटे मोटे डिटेक्टिव से उनका क्या वास्ता पड़ सकता? उनके पास तो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी है, वो करण को यहाँ क्यों बुलाएंगे? हेलो अभिजीत, मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पर करण का खून हुआ था। मुझे लगता है वहाँ पे कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ओके सर, हम भी वहाँ पहुँच गए। रुको रुको रुको, कितने हो गए? 20 रुपया। इस लड़की को देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ सेकंड पहले मैं यहां आया था, तब ये लड़की घायल थी। इसने अभी-अभी मेरे सामने दम तोड़ दिया है। मैंने उसे नहीं मारा है। अच्छा, तुम्हारी ये कहानी पुलिस स्टेशन में बताना, और इस बार तुम्हारा वो वकील भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बड़ा यकीन है अपने आप पे? लीजिए, नाम लिया कि शैतान हाजिर, और आपकी तारीफ। इंस्पेक्टर दया, और मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी मुंबई। और आप? एसीपी सीआईडी मुंबई। क्यों? जी हाँ, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी मुंबई। आई एम सॉरी, मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया कि मैं कौन हूं। मगर सर। हाँ बोलो। आप जब तक वहां पर पहुंचे, हाँ, तो क्या उस लड़की की मौत हो चुकी थी? हाँ,
वो लड़की करण के साथ देखी गई थी शायद। कर क्या रही थी वहां पे? मालूम नहीं क्या कर रही थी। सर सैम एक्स और उसकी फैमिली की पूरी हिस्ट्री मिल गई है सर। सर ये है सैम एक्स, इस शहर के बहुत बड़े खिलाड़ी, करोड़ों का बिजनेस, कई आलिशान होटल्स रेस्टोरेंट्स और बार्स हैं इनके, वो क्लब भी इन्हीं का है सर, ये इस वक्त अमेरिका में है। सर ये है सैम एक्स की वाइफ लावण्या, ये सैम एक्स की दूसरी बीवी है सर, ये पहले एक मॉडल थी, अब कुछ नहीं करती। सर वैसे भी इतने बड़े एम्पायर की मालकिन को कुछ करने की क्या जरूरत है? प्रिया, सैम एक्स की भतीजी, ये भी पहले एक मॉडल थी सर। इन तीनों में से वो कौन है जिसने करण को यहां बुलाया है? ये सब उस माचिस का चक्कर है, माचिस का। उस माचिस की वजह से ही खून हो रहे हैं। तुम लोग एक काम करो, अभिजीत दया, सैम एक्स के क्लब में घुस जाओ चुपके से। हेलो मैम। हाय, मैं पूना में नई नई आई। आपके इस क्लब के बारे में काफी कुछ सुना है। थैंक्स। मुझे इस क्लब की मेंबरशिप मिल सकती है? मैम आप इस क्लब में किसी मेंबर को जानती हैं? मेरा मतलब है कि आपको उनका रेफरेंस नंबर देना होगा। रेफरेंस? इससे काम नहीं चल सकता? सॉरी मैम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या एक मैच बॉक्स मिलेगा? एक्सक्यूज मी मैम, इस क्लब में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। क्या स्मोकिंग अलाउड नहीं है? माफ कीजिएगा मैम, मैं आपको इस क्लब की मेंबरशिप नहीं दे सकता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आई एम सो सॉरी। ये I am so terribly sorry. No, not at all. नहीं, I am sorry. गलती मेरी है, मुझे देख के चलना चाहिए था। वो मेरा एक दोस्त आने वाला था, वो आ नहीं रहा है तो मैं निकलने वाला था और आपसे टकरा गया। आपको आपको चोट तो नहीं लगी? I am fine. By the way, I am Daya. I am Riya. श्रीवास्तव सर, जो माल का कंसाइनमेंट आने वाला था वो आ गया और मैंने चेक कर लिया है। ठीक है, तुम स्टॉक उतरवा लो और तुम चलो, मैं आता हूं। यस सर।
अभिजीत तुम वहां से बचकर निकले कैसे? मत पूछिए सर, बाहर खिड़की पे लटका रहा, पता नहीं कैसे नीचे उतरा। सर ये देखिए, हाथ की ऐसी की तैसी हो गई है। सर ऐसा लगता है कि वहाँ क्लब में सिर्फ मेंबर्स को ही मैच बॉक्स दिया जाता है। सर पर ये मैचेस सिगरेट जलाने के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो स्मोकिंग ही अलाउड नहीं है। सर जब मैं मैनेजर के केबिन के बाहर लेज पे खड़ा था, मैंने देखा लोग आते थे, पैसे देते तो ये मैच बॉक्स लेते थे। बहुत पैसे देते थे सर इस मैच बॉक्स के लिए। इतना महंगा है ये मैच बॉक्स? रिया, तुम कल रिया से मिलने वाले हो ना? रिया को ये मैचेस दिखा कर देखो वो क्या करती है। यस सर। और अभिजीत तुम प्रीति के बारे में पता करो, तब तक मैं लावण्य पर नजर रखता हूं। कौन है आप? इस तरह गाड़ी के अंदर कैसे घुसाए? देखिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज गेट आउट ऑफ माई कार। मैम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे आपसे करण के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। करण आपके पति के लिए काम करने के लिए यहाँ आया था और अब उसका खून हुआ है। I'm sorry, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अच्छा देखिए मैंने अभी अभी आपको इंस्पेक्टर अजय के साथ बात करते हुए देखा है। प्लीज मैंने आपसे पहले भी कहा है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे परेशान मत कीजिए। प्लीज गेट आउट ऑफ माय कार। ऑल राइट। इंतजार कर रहा हूं तक आई नहीं वो। हाँ वो आ गई। तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना है? ठीक 5 मिनट के बाद मुझे फोन कर। ओके बाय। कम ऑन यार, हाउ कैन यू डू दिस? फिर से धोखा? तुम मेरा लंच का प्लान कैंसिल कर रही हो? मैं यहां अकेले बैठ के क्या करूंगा? Why don't you understand? चलो छोड़ो, forget it. Okay, all the best for your meeting. Bye, take care. Mr. Daya? Miss Rhea. Right. मैं आज भी यहाँ किसी का इंतजार कर रहा था और आप? उसका इंतजार छोड़िए, बहुत भूख लग रही है, लंच करेंगे मेरे साथ? एक खूबसूरत लड़की हमें लंच पे बुलाए और हम ना जाए, ऐसा हो सकता है? द प्लेजर इज ऑल माइन, प्लीज। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये सामने वो जो दुकान दिख रही हो ना? हाँ। वो प्रीति वहीं पे काम करती थी। प्रीति? हाँ वही जिसने एसीपी साहब के सामने दम तोड़ा था। बट सर आपने मुझे साड़ी पहन के क्यों बुलाया? वो इसलिए कि तुम्हें मेरी वाइफ की तरह एक्टिंग करनी पड़ेगी। वाइफ? आई मीन सर आपको नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा छोटी लगूंगी? इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें वाइफ की तरह एक्टिंग करनी पड़ेगी। ओके okay?
लेट्स गो। डार्लिंग, मैं कह रही हूँ उन्हें बहुत पसंद आएगा वो बाज। मैनेजर। यस मैडम। मैं यहाँ पर एक वाज देख कर गई थी एक हफ्ते पहले। किसी लड़की ने दिखाया था मुझे, क्या नाम था उसका? हाँ, प्रीति। उसे जरूर पता होगा। जी, प्रीति तो यहाँ पर नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप मुझे। एक काम करिए, आप हमें गोल्ड या कोई सिल्वर कलर का आवाज बता दीजिए जो देखिए वो चलेगा। हाँ हाँ, श्योर। पहले ये लोग क्लब में जाकर माचिस खरीदते हैं और फिर पॉटरी शॉप में जाकर उस माचिस के बदले कोकेन खरीदते हैं। अच्छा आइडिया है सर, बिल्कुल नया तरीका है ड्रग्स बेचने का, किसी को पता भी नहीं लगेगा। सर, उस मैनेजर को पकड़ लेते। मैनेजर तो छोटा आदमी है, मुझे बड़ी मछली पकड़नी है। सर, अगर कोकेन ही बेची जा रही थी तो फिर करण को उन लोगों ने वहां क्यों बुलाया? जैसे मैंने करण का नाम लिया, लावण्य के चेहरे का रंग उतर गया। मुझे आपसे करण के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। सर, इंस्पेक्टर अजय भी इसमें मिला हुआ है। वो लावण्य से मिलने क्यों गया था चुपके से? हैं? सर, 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 नो अजय। उसके हमेशा कोई ना कोई अफेयर रहते हैं, पर वो क्रिमिनल नहीं है सर। उसने ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं किया है जिसकी वजह से उसे मेडल मिल जाए। उसका किसी ऐसी औरत के साथ अफेयर चल रहा है जो एक खतरनाक क्रिमिनल की बीवी है, समझे? सर, सैम एक्स को शायद शक हो गया था कि उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए उसने करण को बुलाया होगा। हाँ, और आते ही करण मारा गया। इस इंस्पेक्टर अजय से पूछताछ शुरू करो। तो वाकई हमें चौंका दिया। क्या हुआ था? आई सर। हाँ, हम सही थे। हमें लग ही रहा था कि ये पुलिस में से ही कोई है जो इसमें मिला हुआ है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। अजय ऐसा आदमी नहीं था। कोई और बात होगी। मैं अजय को अच्छी तरह से जानता था। वो बेवकूफ था पर अपराधी नहीं था। अगर ऐसा है तो फिर इसका खून कैसे हुआ? हाँ? हट्टा कट्टा नौजवान था, पुलिस ऑफिसर था, इतनी आसानी से मार दिया इसे। इसका मतलब यही है कि ये जानता था उन लोगों को जिन्होंने मारा है इसे। सर, बड़ी अजीब गन है ये। बड़ी अजीब गन? सर, ये गन मैं पहचानता हूं। ये मिसेस सैम एक्स लावण्य। मैं अजय को क्यों मारूंगी? मैं तो उससे प्यार करती थी और मुझे पूरा यकीन था कि वो भी मुझे। कोई अपने ही प्यार को मारता है भला। और करण? करण को किसने मार दिया? करण को भी मैंने नहीं मारा। मुझे शक था कि मेरे पति का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर है, इसलिए डिटेक्टिव करण को मुंबई से
मैंने ही यहाँ पर बुलाया था। फिर? करण मुझे बताने ही वाला था कि मेरे पति का किस औरत के साथ चक्कर है, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे उस औरत के बारे में बताता, किसी ने उसे भी मार डाला। तो आपको उस औरत का नाम नहीं मालूम? और ये ड्रग्स का बिजनेस, उसमें तुम्हारा और अजय का कितना हाथ है? ड्रग्स का बिजनेस? क्या मतलब? मतलब ये कि तीन खून हो चुके हैं और उनमें से एक लाश अजय की भी है, और इन तीनों खून के पीछे ड्रग्स का ही चक्कर है, और शायद आप भी इसमें मिली हुई हैं। मैंने अजय को जाने क्या क्या दिया, इतना प्यार, इतने महंगे गिफ्ट्स, यहाँ तक कि ये घड़ी भी मैंने नहीं दी थी, और इसके बावजूद उसने दूसरी औरत के साथ। सर, आई थिंक मुझे पता चल गया कि खूनी कौन है। सर, उसी जब मैं क्लब गया था तो मैंने ये वॉच एक आदमी के हाथ में देखी, और मुझे नहीं पता था कि वो आदमी अजय है, और अजय जिस लड़की से बात कर रहा था वो रिया थी सर, और मुझे लगता है सर रिया ही खूनी। आज की शाम हमारे दोस्ती के नाम। दोस्ती, इतना पुराना वर्ड कहां से ढूंढ के निकाला तुमने? पुराना है पर मजेदार है। वैसे भी ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ओह, आई लाइक दैट। ये क्या? ओ, वाकई ये तो महफिल में शम्मा जल उठी है। आज इस शम्मा को जल जाने दो। ठीक है, ये लो अभी जला देते। अब तैयार, इसे मत जलाओ। इसे मत जलाओ? क्यों, माचिस ही तो है। हाँ, पर इसे मत जलाओ, किसी और माचिस से। ठीक है। लो। दया, आप, दिस म्यूजिक इज सो बोरिंग, कोई और म्यूजिक लगा के आओ ना प्लीज। व्हाई नॉट, anything for you. Thanks. तुम्हारी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता।
इंस्पेक्टर दया हमारे शहर के मेहमान है और उनके साथ ऐसा सुलूक? इंस्पेक्टर दया जी, सीआईडी सर। ओह आई एम सॉरी, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना भूल ही गया। आई एम इंस्पेक्टर दया, सीआईडी मुंबई। अब बताओ तुम ये खून क्यों करते जा रही हो, हैं? पहले करण, फिर प्रीति और अब अजय, हैं? बताओ। अगर मैं खून नहीं करती तो मेरे अंकल मेरा कत्ल कर देते। हाँ, मेरे अंकल ही ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। बहुत खतरनाक है वो। मेरी वजह से लोगों को ये पता चलने लगा था कि मेरे अंकल ही ड्रग्स में, तो क्या करती मैं? मेरी जान खतरे में थी। वो कैसे? वो इंस्पेक्टर अजय मुझसे प्यार करता था, फिर पता नहीं कब उसे उस लावण्या से प्यार हो गया, मेरे अंकल की वाइफ से। शायद इसीलिए अंकल ने करण को बुलाया मुंबई से। करण मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा, शायद उसे शक हो गया था कि मैं ड्रग्स लेती हूं, क्योंकि उसके हाथ माचिस लग गई थी। तो वो मारा गया है ना? लेकिन तुमने प्रीति को क्यों मारा? मैंने प्रीति का खून इसलिए किया ताकि मैं पुलिस को गुमराह कर सकूं, और फिर अजय मेरी को खेल लेने की आदत ने मुझे बार बार फंसाया, इसलिए मुझे बार बार कत्ल करने पड़े। तुमने बहुत चालाकी से ये सारा गेम खेला, मगर तुम्हारी होशियारी तुम्हें जेल ले आए। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।